नमस्कार दोस्तों, मैं विकास अरोड़ा इंश्योरेंस गुरु जी यूट्यूब चैनल के बिहाफ पर आपका वार्म वेलकम करता हूं। हमारा आज का टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ आईआरआर। फ्रेंड्स, मिस्टर ए यदि एक साल के लिए ₹10 लाख का इन्वेस्टमेंट करें और एक साल के बाद उनको ₹11 लाख मिल जाए, तो इस कंडीशन में व्हाट विल बी द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। दिस इज वेरी सिंपल। उन्होंने 10 लाख का इन्वेस्टमेंट किया, उनको 11 लाख मिला, यानी कि उनको 1 लाख का गेन हुआ अपनी 10 लाख की इन्वेस्टमेंट पर। तो यहाँ आप बहुत इजीली कैलकुलेट कर लेते हैं कि उनका एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। फ्रेंड्स, एक दूसरी कंडीशन देखते हैं जहां मिस्टर बी ₹5 लाख का इन्वेस्टमेंट करेंगे 2 वर्षों के लिए और 2 वर्षों के पश्चात उनको मिलेंगे ₹12 लाख। व्हाट विल बी द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि उनका टोटल इन्वेस्टमेंट होगा ₹10 लाख का, जिस पर उनको मिलेंगे आफ्टर 2 ईयर्स ₹12 लाख। और यहाँ यह कहना कि उनको 20% का रिटर्न मिलने वाला है अपनी इन्वेस्टमेंट पर, तो यह लॉजिकल नहीं होगा, तर्कसंगत नहीं होगा। आप ध्यानपूर्वक देखें कि मिस्टर बी ने 2020 में जो ₹5 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है वह 2 वर्षों के लिए हुआ है और जो 2021 में किया जाएगा वह 1 वर्ष के लिए होगा। तो यहां आपको यह कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए कि किस कंपाउंडिंग एनुअल रेट से इन्वेस्टमेंट ग्रो होने पर ₹12 लाख की अमाउंट आ रही है। फ्रेंड्स, एक और एग्जांपल लेते हैं जहां मिस्टर सी ने ₹1 लाख का इन्वेस्टमेंट करना है नेक्स्ट 10 ईयर्स तक और आफ्टर कंप्लीटिंग 10 ईयर्स उनको मिलेंगे ₹12 लाख। व्हाट विल बी द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहां हम देखते हैं कि मिस्टर सी ने 10 वर्षों में ₹10 लाख का टोटल इन्वेस्टमेंट किया और आफ्टर 10 ईयर्स उनको मिले ₹12 लाख। यहां उनको गेन हुआ ₹2 लाख का उनकी टोटल इन्वेस्टमेंट ₹10 लाख पर। और यदि हम ये कहें कि उनको 20% का गेन हो रहा है, इट विल बी इलॉजिकल, क्योंकि जो फर्स्ट ईयर में उन्होंने ₹1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है वह 10 ईयर्स के लिए हुआ है और जो सेकेंड ईयर में उन्होंने ₹1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है वह 9 ईयर्स के लिए हुआ है और जो थर्ड ईयर में उन्होंने ₹1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है वह 8 ईयर्स के लिए हुआ है। तो फ्रेंड्स, यहां आपको यह कैलकुलेशन आनी चाहिए कि किस कंपाउंडिंग एनुअल रेट से उनकी इन्वेस्टमेंट ग्रो होकर ₹12 लाख बनती है। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आपको इस वीडियो में ये टॉपिक अच्छी तरह क्लियर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मिस्टर डी ₹1 लाख का इन्वेस्टमेंट करेंगे नेक्स्ट 10 ईयर्स तक और आफ्टर 4 ईयर्स 2 बार उनको मिलेंगे ₹3 लाख और आफ्टर 12th ईयर फाइनली उनको मिलेंगे ₹5 लाख। व्हाट विल बी द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। फ्रेंड्स, ऐसी सिचुएशन में यदि कस्टमर हमसे पूछेंगे तो हम उनको एग्जैक्ट एनुअल रेट नहीं बता पाते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको एश्योर कर रहा हूं यदि इस वीडियो को आप अंत तक देखेंगे तो आप इसकी कैलकुलेशन बहुत इजीली सीख जाएंगे। फ्रेंड्स, यह जानने के लिए कि किस इन्वेस्टमेंट से कितना एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलने वाला है, उसके लिए हमको आईआरआर अर्थात इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न की कैलकुलेशन करनी होती है। फ्रेंड्स, व्हाट इज आईआरआर। दोस्तों, आईआरआर यह इंडिकेट करता है कि जो इन्वेस्टमेंट्स की गई हैं या की जाएंगी उस पर किस कंपाउंडिंग एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट से रिटर्न मिलने वाली है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से तात्पर्य होता है कि टोटल ग्रोथ कितनी हुई है शुरू से लेकर अंत तक, जबकि आईआरआर एनुअल ग्रोथ रेट को दर्शाता है जो कि किसी भी इन्वेस्टमेंट की परफॉर्मेंस का सूचक है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रेंड्स, विद द हेल्प ऑफ MS Excel हम आईआरआर की कैलकुलेशन बहुत सरलता व तीव्रता से कर सकते हैं। फ्रेंड्स, MS Excel के थ्रू आईआरआर की कैलकुलेशन सीखने से पहले आप 4 पॉइंट्स नोट कर लीजिए। फर्स्ट पॉइंट, डेट फॉर्मेट। आपको डेट फॉर्मेट हमेशा डैश फॉर्म में लिखना है या फिर ऑब्लिक के फॉर्म में। डॉट आप बीच में नहीं लगाएंगे डेट्स के या किसी और दूसरे साइन का प्रयोग नहीं करेंगे। पॉइंट नंबर 2, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब जब इन्वेस्टमेंट होगी अर्थात आउटफ्लो होगा, आप उस
इन्वेस्टेड अमाउंट के साथ माइनस का साइन लगाएंगे और जब जब रिटर्न आएगी अर्थात इनफ्लो होगा किसी प्रकार का कोई साइन नहीं लगाया जाएगा। फ्रेंड्स थर्ड पॉइंट, IRR को MS Excel के थ्रू कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका फार्मूला आप नोट कर लीजिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जो कि आपके हमेशा काम आएगा। और फ्रेंड्स इस फार्मूले के बाद जो आंसर आएगा उसको हम परसेंटेज के रूप में कन्वर्ट कर लेंगे। फ्रेंड्स अब हम सीखने जा रहे हैं MS Excel के थ्रू IRR की कैलकुलेशन कैसे की जाती है विद द हेल्प ऑफ 3 एग्जांपल्स। फ्रेंड्स फर्स्ट एग्जांपल जिसमें मिस्टर एक्स 32 इयर्स के हैं जिन्होंने 1 सितंबर 2020 को 10 लाख का जीवन लाभ प्लान लिया 25 इयर्स टर्म के लिए। अब फ्रेंड्स इसकी एमएस एक्सेल के थ्रू आईआर की कैलकुलेशन कैसे की जाएगी, लेट्स सी। फ्रेंड्स अब सीखते हैं कैलकुलेशन ऑफ आईआरआर। फ्रेंड्स एग्जांपल में हमने देखा मिस्टर एक्स ने 1 सितंबर 2020 को जीवन लाभ प्लान लिया जिसका फर्स्ट ईयर का पीएफ था ₹47,770। फ्रेंड्स आप यहां दो पॉइंट्स नोट कर सकते हैं कि डेट का फॉर्मेट कैसे लिखा जाएगा और सेकंड पॉइंट जब जब पेमेंट की जाती है तब उस अमाउंट के साथ माइनस का साइन लगाया जाता है। और फ्रेंड्स फ्यूचर में जब जब पेमेंट होगी उसके समक्ष हमने माइनस का साइन लगाया हुआ है आप देख सकते हैं। और आफ्टर 25 इयर्स जब मैच्योरिटी मिलेगी उसके समक्ष हमने माइनस का साइन नहीं लगाया, ये मैच्योरिटी लास्ट ईयर के बोनस के अकॉर्डिंग कैलकुलेट की गई है। फ्रेंड्स इसके बाद आप एक्सेल की इस शीट के किसी भी सेल में जाकर क्लिक कर सकते हैं। मान लेते हैं हमने यहाँ क्लिक किया, यहाँ आपको लिखना है सबसे पहले इक्वल, उसके बाद आप लिखेंगे एक्स आई आर आर, फिर बनाएंगे ब्रैकेट। आप देख सकते हैं एक्सेल ने फार्मूला नीचे लिख दिया है वैल्यूज, इसका मतलब यह है सबसे पहले हम जो वैल्यूज लिखी हैं उसको सिलेक्ट करेंगे। पहली वैल्यू यहां से स्टार्ट की है लिखना हमने, तो हमने इसको सिलेक्ट किया, शिफ्ट का बटन प्रेस किया और डाउनवर्ड एरो की हेल्प से हम नीचे जाएंगे लास्ट वैल्यू तक। इसके पश्चात हम कोमा लगाएंगे और उसके बाद जो फर्स्ट डेट मेंशन की गई है उसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद शिफ्ट बटन और एरो बटन की हेल्प से हम वापस नीचे तक जाएंगे, लास्ट तक जाएंगे, 2045 तक जाएंगे और यहां क्लिक करने के बाद हम ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, उसके बाद हम एंटर बटन प्रेस करेंगे। फ्रेंड्स जो वैल्यू आएगी उसके बाद इस वैल्यू को हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। आप देख सकते हैं मेनू बार में जनरल के इस पॉइंट को क्लिक करेंगे और यहां परसेंटेज को क्लिक कर आप IRR की कैलकुलेशन कर सकते हैं। फ्रेंड्स एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें मिस्टर वाई 35 इयर्स ओल्ड हैं जिन्होंने 1 अक्टूबर 2020 को मनी बैक प्लान टेबल नंबर 920 ₹15 लाख समझो कर लिया। आइए इसकी MS Excel के थ्रू IRR की कैलकुलेशन करें। फ्रेंड्स जो भी हमने एग्जांपल लिया उसमें मिस्टर वाई ने 1 अक्टूबर 2020 को मनी बैक पॉलिसी ली है जिसका फर्स्ट ईयर का प्रीमियम है ₹1,20,839। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि डेट फॉर्मेट को कैसे लिखना है और जब प्रीमियम पे किया जाएगा तो उसके समक्ष माइनस का साइन लगाया जाएगा। फ्रेंड्स चूंकि ये पॉलिसी मनी बैक की है इसमें आफ्टर 5 इयर्स 20% ऑफ सम अश्योर मनी बैक वापिस आएगा, तो आप देख सकते हैं 1 अक्टूबर 2025 को 1,500,000 सम अश्योर का 20% मनी बैक 3 लाख होता है वो वापिस आएगा जिसके समक्ष हमने माइनस का साइन नहीं लगाया है। फ्रेंड्स आप देख रहे हैं नेक्स्ट मनी बैक आएगा 2030 में और थर्ड मनी बैक आएगा 2035 में और इन बिटवीन जितना प्रीमियम पे किया गया उनके अमाउंट के समक्ष माइनस का साइन लगाया गया और जितना इनफ्लो हुआ उसके समक्ष माइनस का साइन नहीं लगाया जाएगा। और फ्रेंड्स पॉलिसी टर्म 20 इयर्स का है, इसका अभिप्राय ये है कि 1 अक्टूबर 2040 को जो अप्रोक्सीमेट मैच्योरिटी लास्ट ईयर के बोनस के अकॉर्डिंग मिल सकती है वह होगी 17,40,000। फ्रेंड्स डेट्स और इनफ्लो और आउटफ्लो के अमाउंट्स मेंशन करने के बाद आप इस वर्कशीट के किसी भी सेल में जाकर क्लिक कर सकते हैं।
मान लेते मैं यहां क्लिक करता हूं और इसके बाद आप लिखेंगे इक्वल एक्स आई आर आर, आप बनाएंगे ब्रैकेट, आप दे सकते हैं इसमें लिखा हुआ आ रहा है वैल्यूज, इसका मतलब ये होता है जो फर्स्ट वैल्यू है उस पे जाकर आप क्लिक करेंगे, शिफ्ट और डाउनवर्ड एरो की हेल्प से आप लास्ट वैल्यू तक जाएंगे और उसके बाद कोमा लगाएंगे, फिर लिखा है डेट्स, यानी कि जो फर्स्ट डेट आपने लिखी है आप वहां पर जाएंगे उसको क्लिक करेंगे और उसके बाद शिफ्ट और डाउनवर्ड एरो की हेल्प से लास्ट डेट तक जाएंगे। लास्ट डेट तक क्लिक करने के बाद आप ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर का बटन दबाएंगे, आपको एक वैल्यू नजर आएगी, इस वैल्यू को आप कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आप यहां क्लिक करेंगे और परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं इस एग्जांपल में जो आई आर आर आएगा वह होगा 4.33%। फ्रेंड्स आपने देखा पहले आपने डेट मेंशन की प्रॉपर फॉर्मेट में और उसके समक्ष इनफ्लो और आउटफ्लो के अमाउंट्स लिखे, अगर आउटफ्लो है तो माइनस का साइन लगाना मत भूलिएगा। उसके बाद आप फार्मूला अप्लाई करेंगे, वर्कशीट में जाकर कहीं भी क्लिक करेंगे, इक्वल एक्स आई आर आर ब्रैकेट बनाएंगे, फिर वैल्यूज को सिलेक्ट करेंगे, कोमा लगाएंगे, उसके बाद डेट्स को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर का बटन प्रेस करेंगे और जो वैल्यू आएगी उसको आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे। फ्रेंड्स आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। फ्रेंड्स एक और एग्जांपल लेते हैं, इसमें मिस्टर जेट 30 इयर्स ओल्ड हैं, जिन्होंने 9 अगस्त 2020 को जीवन शिरोमणि प्लान लिया फॉर 1 करोड़ सम एश्योर्ड। आइए दोस्तों इसकी आईआर की कैलकुलेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ एमएस एक्सेल। आईआर की कैलकुलेशन जब हम एमएस एक्सेल के थ्रू करते हैं तो फर्स्ट कॉलम में डेट्स आती हैं और सेकंड कॉलम में जो इन्वेस्टमेंट का आउटफ्लो हुआ विद माइनस साइन या फिर इनफ्लो हुआ अर्थात रिटर्न आई वो मेंशन की जाती है। दोस्तों हमने इस एग्जांपल में देखा 9 अगस्त 2020 को मिस्टर जेड ने जीवन शिरोमणि 1 करोड़ समय का प्लान लिया जिसके लिए उन्होंने ₹7,36,568 पे किए। डेट को हमने प्रॉपर फॉर्मेटेड वे में लिखा और जो प्रीमियम डिपॉजिट किया अर्थात आउटफ्लो हुआ इस अमाउंट के साथ हमने माइनस का साइन लगाया और फ्रेंड्स फ्यूचर में जब जब प्रीमियम डिपॉजिट होंगे उन डेट्स को लिखा गया और उसके साथ जो प्रीमियम डिपॉजिट किए जाएंगे उसको माइनस अमाउंट के साथ लिखा गया। फ्रेंड्स प्रीमियम पेइंग टर्म 16 इयर्स का है इसलिए हमने 16 साल तक की डेट्स मेंशन की और उसके साथ हमने प्रीमियम अमाउंट्स लिखे विद माइनस साइन। फ्रेंड्स 9 अगस्त 2036 को 45% ऑफ सम एश्योर्ड मनी बैक आना है जिसके आगे माइनस साइन नहीं लगाएंगे क्योंकि वो इनफ्लो है। अगेन 9 अगस्त 2038 को 45% मनी बैक आएगा उसको भी हमने लिखा और क्योंकि पॉलिसी का टर्म 20 इयर्स का है अर्थात 9 अगस्त 2040 को जो अप्रोक्सीमेट मैच्योरिटी मिलने वाली है दैट इज 1,34,50,000। डेट्स और इनफ्लो आउटफ्लो मेंशन करने के बाद जैसा कि मैंने आपको बताया पिछले 2 एग्जांपल्स के माध्यम से आप इस वर्कशीट के किसी भी सेल में जाके क्लिक कर सकते हैं। मान लेते हैं मैं यहाँ क्लिक करता हूँ और उसके बाद आप लिखेंगे इक्वल का साइन एक्स आई आर आर ब्रैकेट बनाएंगे, आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ आ रहा है वैल्यूज, इसका मतलब है जो आपने पहली वैल्यू लिखी उसको आपको क्लिक करना है, शिफ्ट का बटन प्रेस किया, डाउनवर्ड एरो क्लिक किया और लास्ट वैल्यू तक जाएंगे, लास्ट वैल्यू के बाद आप कोमा लगाएंगे और उसके बाद जो आपने फर्स्ट डेट मेंशन की उसको क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद शिफ्ट का बटन प्रेस किया, अगेन डाउनवर्ड एरो से हम लास्ट डेट तक जाएंगे और इसके बाद हम ब्रैकेट को करेंगे क्लोज और फिर एंटर का बटन प्रेस करेंगे, आपके समक्ष एक वैल्यू आ जाएगी, इस वैल्यू के बाद आप इसको कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में। उसके लिए आपको यहां आना है और परसेंटेज को क्लिक करना है, आपको मिल जाती है आईआरआर की वैल्यू। फ्रेंड्स वन इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो आप एलआईसी पॉलिसी के अंतर्गत अप्रोक्सीमेट मैच्योरिटी शो कर रहे हैं यदि आप उसमें अपने प्रोस्पेक्ट के अकॉर्डिंग जिस इनकम टैक्स लैब में वह आते हैं उनका सेक्शन 80C व सेक्शन 1010D से जो होने वाला गेन है उसको उसमें ऐड कर देंगे तब आप एक इफेक्टिव आईआरआर की कैलकुलेशन कर सकेंगे। दोस्तों टैक्स सेविंग से जो नेट गेन
एज पर इनकम टैक्स स्लैब होता है, आप उसकी कैलकुलेशन सीखना चाहते हैं तो आप उससे जुड़ा वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक ऊपर आई बटन के माध्यम से डिस्प्ले हो जाएगा। फ्रेंड्स, आईआरआर की कैलकुलेशन ना केवल एलआईसी के लिए बल्कि किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट जैसे म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट, प्रॉपर्टी इत्यादि में हमेशा हेल्पफुल होती है, क्योंकि इससे आप किसी भी इन्वेस्टमेंट की एक्चुअल एनुअल ग्रोथ जान सकते हैं। फ्रेंड्स, आपके मोस्टली कस्टमर्स आपसे पूछते हैं कि एलआईसी पॉलिसी कितना रिटर्न देती है। फ्रेंड्स, नाउ आई एश्योर यू कि अब आप उनको एग्जैक्ट परसेंटेज ऑफ एनुअल रिटर्न बता सकते हैं इन दी फॉर्म ऑफ आईआरआर, जो कि पहले बताना इतना संभव नहीं था, क्योंकि पहले हम उनको रफली परसेंटेज बताया करते थे, बट नाउ हम उनको एग्जैक्ट परसेंटेज बता सकते हैं आईआरआर का। फ्रेंड्स, इस कैलकुलेशन को सीखने के बाद मैं कह सकता हूं कि आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और प्रोफेशनलिज्म भी। फ्रेंड्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एमएस एक्सेल के थ्रू आईआरआर की कैलकुलेशन की प्रैक्टिस कीजिए, ताकि जब भी आप कस्टमर के समक्ष हो आप इसकी कैलकुलेशन बहुत सरलता से कर सकें।